गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज सुबह ही उठ गई थी और घर के सारे काम ख़त्म करके मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए मैं सुबह ही उठ गई थी और जल्दी से सारे काम ख़त्म करके मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो मैं आप लोगों को यहाँ के मंदिर दिखाना चाहती हूँ। शायद मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं होगा कि मैं आंध्र प्रदेश में रहती हूँ, और जो लोग मतलब इधर आए होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा, उन लोगों ने देखा होगा कि इधर की मंदिर कितनी सुंदर होती है। और जो लोग नहीं आए होंगे शायद कहीं देखा होगा, और नहीं भी देखा तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि इधर की मंदिर कितनी सुंदर होती है। तो मैं आपसे फिर मंदिर में मिलती हूँ। अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं और ये अभी फ्लावर्स ले रही है मंदिर पर चढ़ाने के लिए। भोग के लिए प्रसाद भी मैंने ले लिया है, तो अभी हम जाएंगे मंदिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं साईं मंदिर के पास। आप देख सकते हो ये है साईं टेंपल यहाँ का। पता नहीं आज ये क्यों बंद है, बट जितना सुंदर ये बाहर से है उतना ही सुंदर ये अंदर से है। तो कभी और मौका मिला तो हम लोग इसका भी वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाएंगे, ये साईं टेंपल का। तो आज ये मंदिर बंद है, तो हम लोग अभी किसी और मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो मिलते हैं वहाँ पर। तो अभी हम लोग शक्ति मंदिर है यहाँ का, इसमें हम लोग आ चुके हैं। आप ये मंदिर देख सकते हो ये है, और ये जा रही है अभी पूजा करने के लिए। चलते हैं अंदर। अभी हमारा मंदिर में पूजा खत्म हो चुका है और हम लोग अभी मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो गाइस ये है मंदिर का बाहर का, आप देखो ऊपर में कितनी सुंदर इसकी गुंबज बनी हुई है। और अभी मैं आपको साइड में दिखाती हूँ। और ये है, आप देखो ये पूरे चारों तरफ मंदिर का जो है बना हुआ वॉल, उस पर सारी माँ लोग का मूर्ति बना हुआ है। ये आप लोग देखो, मैं थोड़ा दूर जाकर दिखाती हूँ, आप लोगों को ऊपर का भी दिखेगा। ये देखो आप लोग, ये कितना सुंदर ऐसे पूरा बना हुआ है। तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं दर्शन करके, और अब मैं थोड़ी देर में कहीं बाहर हम लोग दोनों घूमने जाने वाले हैं, तो निकलूंगी बाहर। और हो सके तो अगर मुझे टाइम मिला बाहर लेने का तो मैं आप लोगों को वो सब भी दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, फिर हम बाद में मिलते हैं। और आपने मेरे हस्बैंड को तो इधर देखा होगा, आप देखो। और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ आज का, मेरा क्या है आउटफिट। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, मैंने कुर्ती डाली हुई है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ठीक है, और आप लोग चाहो तो हम लोगों को एनिवर्सरी विश भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय।
Hey guys, तो हम बाहर आ गए हैं और हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, तो वही अभी हम मैकडोनल्ड्स आए हुए हैं, तो अभी हम खा रहे हैं। और यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड को कितनी तेज़ भूख लगी है, वो खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। हे गाइस, तो हम मैकडोनल्ड्स से आ चुके हैं और अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं सॉबर्स स्टॉप में। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली कुछ अपने लिए कपड़े लेने थे, तो हम लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखो, वो देख रहे हैं अपने लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह। तो मेरे हस्बैंड का शॉपिंग हो गया है, तो अब मैं लेडीज़ सेक्शन की तरफ जा रही हूँ। तो वहाँ मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ क्या क्या है, मुझे अगर कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ पर्स के सेक्शन में। यहाँ पे पर्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप देखो। ये एक क्लच है, काफ़ी क्लासिक लग रहा है देखने में, अच्छा है। देखती हूँ मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं लूँगी। ये काफ़ी अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए, अच्छा है ये। गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। मैं काफ़ी टाइम पहले ही आ गई थी, बट घर में डिनर वगैरह रेडी करना था, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो अभी हम दोनों रेडी हो गए हैं फिर से, और हम लोग दोनों का मैचिंग ड्रेस है रेड रेड। और आप यहाँ देख सकते हो मेरे हस्बैंड को। तो कैसे लग रहे हैं हम लोग आज, आप बताना ज़रूर। और अभी हम लोग दोनों ने घर में छोटा सा कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये रहा डिनर में मैंने खुद बनाया है ये सब। तो डिनर में मैंने बनाया है वेज पुलाव, ये है बटर नान, ये है काजू पनीर और ये रायता। ओके गाइस, तो अब हम डिनर करने जा रहे हैं और आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय बाय।